हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड क्रॉस के बारे में, और यह जो है संस्था है इसको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखेंगे, यहाँ पर हम इसका स्थापना को देखेंगे, साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ है इस चीज़ को देखेंगे, और साथ ही रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से देखेंगे। और इसके अलावा में हम लोग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी देखेंगे। तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सबों को भी मिलती रहे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी को। रेड क्रॉस यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगियों को बचाना है, और इसका मुख्य उद्देश्य है विपदा के समय या युद्ध के समय कठिनाइयों और परेशानियों से लोगों को राहत दिलाना है। तो दोस्तों, रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संगठन है और इसका जो मिशन है वह है मानवीय जिंदगियों को बचाना, और इसका जो मेन मोटो है, इसका जो मेन उद्देश्य है वह है कि विपदा के समय में या तो फिर युद्धग्रस्त या युद्ध के समय में जो भी कठिनाइयां या परेशानियां या तकलीफें होती हैं लोगों को, तो उनसे लोगों को राहत दिलाना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विपदाएँ आती हैं, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, साथ साथ अन्य जितने भी विपदा आती है उसमें भी इनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है इस रेड क्रॉस का। साथ ही साथ कार्य के रूप में इसका क्या कार्य है इसको देखते हैं। तो युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करना और साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था करना, महामारी, बीमारी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की सहायता करना इनके मुख्य कार्य हैं। तो इनके मुख्य कार्यों में है युद्ध में जो घायल सैनिक होते हैं उनकी मदद करना और उनका चिकित्सा उपलब्ध कराना इसका मेन कार्य है, और महामारी जब भी कुछ होती है या तो फिर अन्य बीमारियां होती है, साथ साथ अन्य प्राकृतिक नेचुरल आपदाएं जो होती हैं उनसे भी पीड़ित लोगों की सहायता करना है इनके कार्यों में से। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये मानव सेवा को ही मुख्य कार्य मानती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई है 9 फरवरी 1863, यानी कि इसका जो इस्टेब्लिश है वह है 9 फरवरी 1863। तो ये डेट आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस की जो संस्थापक हैं उनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट और गुस्ताव मोयनर। तो इसके जो संस्थापक हैं वह है हेनरी ड्यूनेंट, और साथ साथ एक और नाम आपको याद रखना है वह है गुस्ताव मोयनर। इन दोनों नामों को याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हेनरी ड्यूनेंट को ही याद करना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो गुस्ताव मोयनर हैं इनको आपको याद रखना है, लेकिन संस्थापक अगर पूछता है तो आप इसका आंसर करेंगे हेनरी ड्यूनेंट। दोस्तों, एक चीज़ खास है इन सोसाइटी के बारे में, यह जो है संगठन है उसमें, कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और कब कब मिला है, तो 1917 यानी कि 1917, 1944 और 1963। तो 1917, 1944 और 1963 को इसको पीस प्राइज मिल चुका है नोबेल का। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, तो यह आपको याद रखना है। तो यह 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के अवसर पर। तो हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था 8 मई को, तो इसी कारण से प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको रेड क्रॉस के बारे में याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो यहाँ पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 को हुआ है, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई 1920 को, और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, किसका, तो यह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो भी होते हैं वही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो आपको यहाँ से जितनी भी जानकारियाँ थी उन जानकारी को याद रखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके संस्थापक कौन है,
और इसको कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, और इसका जो है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इतनी सारी जानकारी को अच्छे से याद रखना है। थैंक यू दोस्तों।